जीएचएमसी की लापरवाही, पिल्लर नंबर 23 के पास जो ब्रिज का पिल्लर है उसका वॉल अभी तक नहीं बनाया गया है। गुज़िश्ता एक साल से ये वेस्ट है, ट्रैफिक को आने जाने के सबब परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बस और लॉरी तो वहां से जा भी नहीं सकते, कार भी बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। खिजर अहमद, मेरा रेगुलर ये ट्रैक से जाना होता तो तकरीबन एक साल से ये जो फुटबोर्ड टूटा हुआ है इसके बारे में हम लोग रेगुलर कंप्लेंट करते जा रहे हैं जीएचएमसी को, लेकिन जीएचएमसी की तरफ से 0% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर हम ट्रैफिक पुलिस जो यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को बता के बोले, देखिए ये इसके वजह क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो डस्ट निकल रही है उससे बार बार टू व्हीलर स्केट होकर गिरते जा रहे हैं यहाँ पे। तो बोलने के बाद भी कोई वो नहीं, जीएचएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इधर से उधर, उधर से इधर भी जा रहे तकरीबन एक साल से। और आप नोटिस करेंगे कि चालान तो जितना काटना है उससे डबल ट्रिपल काटते जा रहे, बार बार रेगुलर काटते जा रहे, कई वो एक्स्ट्रा होते जा रहे उस पर, चालान की तो कमी नहीं है। उसके बदल तो जो रोड्स है वो तो बनाना, वो उसके ऊपर तो ध्यान देना, वो चीज़ पर कुछ वो नहीं कर रहे। हालाँकि ये बीच दौरान तो टाइम था, लॉकडाउन के दौरान तो पूरे चीज़ें बना सकते थे हर चीज़। हालाँकि आप देखेंगे ये जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट का रेशियो इतना बढ़ने की मेन वजह क्या है, बैड रोड्स डैमेजेस, रोड डैमेजेस, फुटबॉल डैमेजेस, ये वजह से मैक्सिमम एक ही रीज़न है इसका। यहाँ पे भी हम देखेंगे, ये सोचते हैं कि जो है गाड़ी जो बाइकर है वो गलत चला रहा, लेकिन मेन रीज़न है वो डस्ट निकलने के वजह। जो डस्ट निकलने के वजह कोई भी नॉर्मली टर्निंग करता वक्त स्केट हो जाएगा, उसके पीछे कोई दूसरी गाड़ी रहती है, वैसे कई चीज़ें हो सकते। हम लोग कई कंप्लेंट कर दिए अभी तक, ये साल भर से कंप्लेंट कर दिए, लेकिन कोई नहीं है, 0% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, ट्रैफिक और जीएचएमसी ये सोप का जो है एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो है, इसको सुधारना पड़ेगा। नहीं बोले तो ये एक रोड नहीं है, ऐसे कई रोड है जो बिल्कुल डैमेज होके पड़े हुए हैं, जहाँ पे जो है रेगुलरली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सो वो रीज़न बस ये।